अंकल मिले थे रास्ते में, उन्होंने 500 रुपए भी दिए थे। अच्छा। और दो पुलिस वाले मिले थे, उन्होंने 100-100 रुपए दिए थे। तो हम जहाँ कहीं जाते थे दवा लेने जा रहे, तो वहाँ से पीछे गाड़ी लेके आ जाते थे। अगर हम दुकान पे जा रहे तो पीछे मतलब किसी न किसी को लगा देते थे। आप अपना नाम बताइए और ये अभी आप कहाँ जा रहे हैं? अभी तो मेरा नाम शिबू है। आपका नाम शिबू है? अच्छा, आप शिबू यहाँ क्या करते थे? यहाँ पे हम लेबरी का काम करते हैं। लेबर का काम करते हैं। और आप कहाँ रहे हैं अभी? आनंद विहार। आनंद विहार क्यों जा रहे हैं आप? इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे जो है राशन सुविधा नहीं थी मेरी। 15 दिन अभी एक महीने के हुए हैं खाली। हाँ। मकान मालिक पैसे मांगने लगा था आके, और फिर रात 1000 रुपए कल हमने दे दिए थे। तो आपने 1000 रुपया कैसे दिया? अभी आप जैसे बातचीत हो रही थी तो आप बता रहे थे, आप ये देख सकते हैं, ये बहुत छोटी बच्ची है। शिबू से अभी हमारी बात हो रही थी तो इन्होंने बताया कि इन्होंने इस बच्ची के पैर से पायल निकाल के बेची है, जिसके बाद ये आप 1300 रुपए लेके आए थे। 1300 रुपए लेके आए थे। 1300 रुपए लेके आए? 30 रुपए रसीद भी मेरे पास में है, रखी उसमें बैग में रखी। और वो पैसे आपने राशन के लिए खरीदे थे? 1000 रुपए जो है उन्हीं ने उसमें से भी ले लिए थे। लेकिन उसमें से भी मकान मालिक ने, इन्होंने राशन के लिए जो पायल बेची थी उसके लिए पैसे भी मकान मालिक ने ले लिए। और आप एक और बात कह रहे थे कि वो आने नहीं दे रहे, आप चोरी छिपे भागे हैं वहाँ से। हाँ, वो मेरे जहाँ निकले मतलब अब जैसे कि मेरे कहने कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं है। हाँ। तो वहाँ से तो हमें हमारा जान ही अच्छा है। हाँ। तो हम जहाँ कहीं जाते थे दवा लेने जा रहे तो वहाँ से पीछे गाड़ी लेके आ जाते थे। अगर हम दुकान पे जा रहे तो पीछे मतलब किसी न किसी को लगा देते थे। तो मतलब कि उनको लगता था कि आप बिना पैसे दिए भाग जाएंगे? तो मेरे पैसे भी तो नहीं थे मेरे। 15 दिन एक इस महीने में 27 तारीख को मेरा एक महीना होएगा। अच्छा। 27 तारीख को। और केजरीवाल साहब ने क्या किया है कि 2 महीने के किस्तों में पैसे लिए जाएं, किसी किराएदार को मत सताया जाए। लेकिन केजरीवाल साहब की बात तो नहीं मानी जा रही है। और मेरी अभी वहाँ पे 3 बहनें हैं जिसमें कि एक शादी होगी, 2 कुमारी, एक मेरा भाई है। तो उन लोगों के पास राशन और बाकी चीजें हैं या वो भी डरे सहमे से रह रहे हैं? लेकिन जो है, और मेरी वहाँ पे जी आप कुछ कह रही थी, पैसा नहीं है जो देंगे, जब लोग पैसे होंगे जब तो देंगे। उन लोग के 3-3 महीने हो गए, तीसरा महीना चालू उन लोग का हो गया। ढेर लोग इकट्ठा कैसे तो आ आप इतनी छोटी बच्ची को लेके अभी मतलब कैसे जाइएगा आप? वो तो आने नहीं दे रहे हमें। चोरी चुप्पे जो है मेरी बड़ी वाली जो बहन थी साथ में, तो उनका एक छोटा भाई है मनीष। हाँ, तो मनीष भैया ने जो है चोरी चुप्पे जो है उन्होंने क्या, तुम ले जाओ हम भैया से बात कर लेंगे। तो वहाँ से हम लोग चोरी चुप्पे से चले आए। तो आपको किसने बताया कि आनंद विहार से ट्रक जा रही है, आप वहाँ से जा सकते हैं? लाल कुएं से अभी मेरे क्या नाम, जो बड़ी मेरी बहन है उससे छोटी बहन, वो भी एक ही जगह मतलब शादी हुई है। तो वो जो है मतलब अभी गए हैं, कम से कम 8 दिन हो गए हैं। हाँ, यहाँ ट्रक से गए थे लाल कुएं से। अच्छा, और क्या पैसा लिया था ट्रक वाले ने? पैसे ऐसे मेरे ख्याल से 1000 रुपए लिए। 1000 रुपए में वो पहुँच गए? हाँ, 1000 रुपए में गाँव पहुँच गए। तो मतलब आपको कोई कंफर्म जानकारी नहीं, आप बस ऐसे जा रहे हैं सुनी सुनाई बात है। और ये बताइए, आप घर छोड़ के भाग के जा रहे हैं चोरी छिपे क्योंकि पैसे नहीं है, राशन नहीं है, आप रह नहीं सकते। अगर वहाँ से ट्रक नहीं चल रही होगी, गलत जानकारी होगी, तो आप क्या करेंगे फिर, कहाँ जाइएगा आप? तो वहीं हम थोड़े दिन रहेंगे, 2-4 दिन देखेंगे, जो कोई अगर सरकार कोई सुविधा देती है तो ठीक है, नहीं तो पैदल निकल जाएंगे। इस बच्चे की उम्र क्या है? 1 साल। ये 1 साल की है? 1 साल 3 महीने की होगी। और आपके पास कोई एक्स्ट्रा वो भी नहीं है इसको ढकने के लिए? नहीं है, है ढकने के लिए, लेकिन ये हटा देती है ना मुंह पर से। फेंक देती है सब। इसने सुबह से कुछ खाया हुआ है? नहीं खाया तो है। अभी एक अंकल मिले थे रास्ते में, उन्होंने 500 रुपए भी दिए थे। अच्छा। हाँ, और 2 पुलिस वाले मिले थे, उन्होंने 100-100 रुपए दिए थे। पुलिस वाले ने रुपए दिए हैं, लेकिन आपको उन्होंने बताया कि आपको अगर जाना है तो कैसे जाइए, कहाँ ट्राई कीजिए, ये सब नहीं पूछा? नहीं बताया, ये बताया कि मतलब बेटा जा रहे हो कहाँ, तुम्हें कंफर्म जो आप पूछ रहे हो वही उन्हीं ने बताया मुझे कि और कोई दिक्कत, हमने और कोई दिक्कत नहीं, तो उन्हें पैसे देके। तो आपने ये कोशिश नहीं की पूछने की कि हमको ट्रेन, श्रमिक ट्रेन चल रही है उसके बारे में बता दीजिए, या आनंद विहार जाना है, ये सब नहीं? उन्होंने सिर्फ पैसे दिए 100 रुपए। 100 रुपए क्या आप कुछ कह रही है? दूध के लिए पुलिस वाले ने पैसे दिए? तो ये शिबू और उनकी फैमिली है, शिबू यहाँ पे लेबर का काम करते हैं और ये यूपी के हैं। इन्हें वापस यूपी जाना है लेकिन इनके पास पैसे नहीं है। इन्होंने कल
बेटी का पायल बेचा था जो कि 1300 रुपए में बिके थे और उसे भी मकान मालिक हाथ के खड़वे अच्छा चांदी के जो खड़वे बच्चे पहनते हैं तो पायल और वो खड़वे इन्होंने बेच के 1300 रुपए लाए थे और वो भी मकान मालिक ने ले लिया है। और फिलहाल इनको नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं, ये पैदल सुनी सुनाई बात सुन के ये जा रहे हैं आनंद विहार, वहां से ये कैसे जाएंगे नहीं पता।